अब देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दीज आर इमेजिनरी, दीज आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व, अलोंग विच फ्री आइसोलेटेड टेस्ट चार्ज विल मूव वेन प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इसमें एक बात याद रखनी कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये वो कर्व है जहां पर टेस्ट चार्ज चलेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं। सपोज यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है क्यों और मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी की जरूरत है, तो एक टेस्ट चार्ज रखूंगा यहां पर, ये टेस्ट चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इसकी इधर होगी दूर भगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, यहां रखूंगा तो यहां भगाएगा इधर होगी, यहां रखूंगा तो इधर भगाएगा, यहां रखूंगा तो इधर भगाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं पॉजिटिव चार्ज की। जैसे मैं नेगेटिव चार्ज रखूँ यहाँ तो अगर ये टेस्ट चार्ज रखूंगा टेस्ट चार्ज क्या होता है पॉजिटिव, जैसे खींचेगा अपनी तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन ऐसा हुआ। तो नेगेटिव चार्ज में अंदर जाती होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हुई आती होती है। लेकिन सपोज आपने एक पॉजिटिव रख दिया और एक नेगेटिव रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होंगी पॉजिटिव से जाएंगी नेगेटिव में आएंगी, नेगेटिव के अंदर आ रही है और पॉजिटिव के बाहर जा रही है।